स्वराज रचो लाला ने नाच भोले शंकरा। देखने देवत आए, देखने देवत आए, मेघ तो छिमछिम बरसा लाए, छिमछिम बरसा आए, नाच देखने देवत आए, नाच देखने देवत आए, मेघ तो छिमछिम बारिश लाए, मेघ तो छिमछिम बारिश लाए, संग पार्वती नाचे शंकर, संग पार्वती नाचे शंकर, और अप्सरा हाँ और अप्सरा कैसो रास रचो लाला नाचे भोले शंकरा, वो कैसो रास रचो लाला नाचे भोले शंकरा। राधा नाचे सखिया नाचे, राधा नाचे सखिया नाचे, राधा नाचे सखिया नाचे, राधा नाचे सखिया नाचे, ओ नाचे बाबूरा ओ नाचे बाबूरा, ओ कैसो रास रचो गाना ने नाचे भोले शंकरा, ओ कैसो रास रचो गाना ने नाचे रसैरासो च वर्धिनी, यस्य रासो रसै भक्ति ब्रह्मरासो समाहित। जिस भक्ति में रास संसार का हो जाए, दरअसल में रास शब्द को संन्यास शब्द की ही व्युत्पत्ति से माना गया है। रासो वै सहरास भक्ति योगम सहरास, जहां पर संसार का वियोग हो जाए, संसार छूट जाए और आत्मा परमात्मा स्वरूप हो जाए, उसे रास माना गया। राधा श्याम का जैसे स्वरूप हो गया, वैसे पार्वती और शिव का भी हो गया। अब सारे देवता ये अचंबा देख रहे हैं कि आज शिव पार्वती जैसे कैसे लग रहे हैं।
कृष्ण राधा जैसे कैसे लग रहे महाराज? अचंभा तो है ही, अचानक कोई पुरुष स्त्री हो जाए और वो शिव, तो हैरान करने वाला रास हो गया। समारासम तदह रूप मेघवर्दी एक, एक हो गए भैया, अलग अलग थे तब से, एक हो गए एक। इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती अलग अलग हैं, पर एक होकर एक ही धारा में सागर में जाके मिल रही हैं। और जब सागर की तरफ बढ़ती हैं तो गंगा यमुना सरस्वती का पानी अलग अलग दिखाई नहीं देता और उसका स्वाद भी अलग नहीं रहता। एक जब तक नहीं मिल रहे हैं तब तक स्वाद अलग है। अगर आपको समझ में न आए तो जरा सीखो, एक बार नींबू निचोड़ दो पानी में, फिर आप पानी पी के बताओ, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि नींबू का स्वाद है या पानी का। सब खत्म हो जाता है, पानी का अस्तित्व नहीं रहता उसमें नींबू की वजह से। नींबू कितना, आधा पानी कितना, गिलास भर 200 ग्राम नींबू, 10 ग्राम, फिर भी नींबू ने पानी को परास्त कर लिया। इसीलिए ये संसार चाहे गिलास भर हो पर तुम्हारे पास में गुरु भक्ति गुरु मंत्र नींबू के रस के समान हो, संसार परास्त हो जाता है, जीत हो जाती है, रस की भक्ति की स्वाद बदल जाता है संसार का। पर प्रॉब्लम, तुमने संसार को नींबू की तरह कर लिया है, स्वाद बदलने वाला परमार्थ पानी की तरह कर लिया है, अस्तित्व मिट जाता है उसका। संसार आया, भक्ति का अस्तित्व मिट गया, धर्म कर्म रीति रिवाज परंपराएं सब बिसर जाते हो जब संसार सित करता है। करो संसार प्रेम से अनुराग से। सारे देवता आज ब्रज में भगवान की इस रास लीला को देख रहे हैं, शिव पार्वती भी भगवान के इस रास मंडल में शामिल हुए और भगवान शिव ने भगवती श्री राधा से आज भक्ति का ज्ञान श्रवण किया। राधा जी ने भगवान शिव को भी भक्ति का ज्ञान दिया, भगवान श्री कृष्ण को भी भक्ति का ज्ञान दिया, पार्वती को भी, और कहा सुख मुनि यथन राधाम, भगवान सुखदेव को भी राधा जी ने भक्ति का ज्ञान दिया, परम भक्ति राधा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भक्ति नाम एक शब्द ही है, राधा नाम किसी स्त्री का नहीं है। वही जो भक्ति है राधा, जब वो प्रवाह से बहने लगती है धार बन करके, तभी वो राध बन जाती है। प्रमाण धारा निरंतर धारा भक्ति की राधा। आज भगवान श्याम सुंदर का सम्मान बढ़ा दिया राधा के जीवन से। महाराष्ट्र में सब एक रूप हो गए। इस समय आप सब महाराष्ट्र में बैठे हैं, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब खोए हुए हैं कथा में। जिन छोटे बच्चों को समझता नहीं वो भी कैसे नाच रहे थे अभी देखो। भागवत से यही तो लाभ है। 20 40 50 लाख रुपए खर्च करते हैं शादी में, एक दिन में आंधी तूफान की तरह उजाड़ के चली जाती है शादी। और ये भागवत निरंतर 7 दिन तक, 6 दिन पूरे होने जा रहे हैं, सजते सवरते नाचते गाते, पर ये महा उत्सव 24 घंटे सुख प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है। आज समाप्त हो गया, कल की आशा में जीते हैं हम, और संसार में चित नहीं लगता कल हम कैसे जाएंगे कथा में, क्या पहन के जाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या सजेंगे। कल तो रास लीला है तो हम ये पहनेंगे वो पहनेंगे, बस दिनचर्या भगवान की और कथा के रूप में ही दिल दिमाग पर घूम रही है। इसी तरह से दिल और दिमाग निरंतर प्रभु के कीर्तन कथा के लिए जुड़ा रहे सजा रहे तो प्रपंच तुम्हारे जीवन में कभी आकर नहीं बैठेगा। आज मेरे प्रभु ने भगवान सुखदेव जी को दर्शन करवा दिए राधा जी ने,
और वही राधा भक्ति के रूप में सुखदेव जी के मुख से निकलकर भगवान राजा परीक्षित के पास जा रही है। नंद बाबा ने आज अपने पुत्रों को न्योता भेज दिया, हे पुत्रों अब ब्रज से लौट आओ घर पर, इतने वर्ष हो गए मेरे बेटों को। मास भूत श्रवणो गृहणम नक्षत्र योग यज्ञनाम। श्रवण नक्षत्र में यज्ञ करना है इंद्र को प्रसन्न करने के लिए। इंद्र मेघ यज्ञ, इंद्र मेघ, मेघ और इंद्र को प्रसन्न करेंगे तो बारिश आएगी, बारिश आएगी तो चारा धन धान्य पैदा होगा। इसलिए हे कन्हैया बलराम और अपने चाचा लेकर आओ सुनंद जी को। कृष्ण भगवान पत्र का जवाब चाचा से दिलवा रहे हैं। चाचा जी बाबा को आप समझाइए, इस बार हम श्रावण में इंद्र की पूजा नहीं, इस बार हम गायों की रक्षा करने वाले गोवर्धन की पूजा करेंगे। नंद ने पढ़ा ये गोवर्धन नाम का भगवान कब पैदा हो गया भाई, वो तो भाई वही जानता है वो किसको भगवान बनाए। ऊपर बाला जिसको भगवान बनाए उसे कोई रोक सकता नहीं। आज भगवान ने वो निर्णय कर लिया। नंद ने कहा बालक पहली बार पूजा करना चाहता है तो बालक को रोकना नहीं, उसका साथ देना चाहिए जिससे बालक हमेशा भगवान के प्रति आस्था बढ़ाते हुए आगे बढ़े। आज कन्हैया ने कहा बाबा पूरे ब्रजमंडल में प्रसाद बांटूंगा, 84 कोस की परिक्रमा करवाऊंगा, 84 कोस के बीच में जितने भी गांव आते हैं सब में भंडारा करवाऊंगा, बाबा मदद करो। ढोल पिटवा दिया ब्रजमंडल में, 84 कोस की लंबी दूरियों में सब ब्रज परिक्रमा में आई, सब गोवर्धन पूजा करेंगे। आज नंद के लाला कृष्ण कन्हैया बलराम गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। सूर्य अस्त होने के बाद में भगवान गोवर्धन का अभिषेक होगा। सारे ब्रजवासी यमुना से पानी भर भर के ला रहे, अपने अपने घर से अन्न ला रहे, अपने अपने घर से दूध दही ला रहे, सबने जमा कर दिया। गोवर्धन की पूजा का महत्व ही है। गोवर्धन दिवाली के दूसरे दिन आता है, गोवर्धन की पूजा का महत्व यही है कि गोवर्धन की पूजा से परिवार में, इंद्रियों में, गांव में, देश में, समाज में और धर्म में संगठन खड़ा होता है, संगठन विचार मिलते हैं। याद रखिए पहले जब थोड़े समाज में गरीबी थी 30-35 साल पहले तो हमारे घर सब्जी आज नहीं पकती थी तो हम पड़ोसी के घर से सब्जी लाके खाते थे। हाँ और भाई नहीं पकती थी सब्जी, दो दो तीन तीन दिन सब्जी नहीं पकती थी पड़ोसी के घर में, उसके घर नहीं पकी तो वो हमारे घर से ले जाके खाते, उनके घर नहीं तो हमारे घर से, हमारे घर में आज मट्ठा छाछ ज्यादा तो उनके घर, उनके ज्यादा तो हमारे घर, कुल मिलाकर इस तरह का व्यवहार भोजन में जब बांट के व्यवहार होता है तो पड़ोस पड़ोस में कभी झगड़े होते नहीं है। आप उसके घर का खाओ वो तुम्हारे घर का खाए तो तुम्हारे घर का अन्न उसके मन और बुद्धि को तुम्हारी तरफ लाएगा, उसके घर का अन्न तुम्हारी मन बुद्धि को उसके तरफ से ले जाएगा। जब दूसरे की तरफ बढ़ेंगे तो झगड़े और दूरियां कभी नहीं होंगी। जब से किचन और भोजन अपने अपने हो गए तब से प्यार पड़ोस में बचा नहीं है। ये जो बिल्डिंग है ना 9-9 मंजिल की, इसमें तो पड़ोसी कितने निकट होते, 4 फुट पे दूसरे का दरवाजा, आमने सामने फ्लैट, फिर भी लेना न देना, दरवाजा खोल के कोई जीता नहीं। और हमारी बूढ़ी माएं बताती कि घर का दरवाजा कभी बंद नहीं करना और फ्लैट का कभी खुलता ही नहीं है, घर का और मंदिर का दरवाजा हमेशा खुला रहे। पर भैया फ्लैट ने ऐसी बीमारी डाली है क्या सबको लटका के रखा है, घर में घुसे के पहले कड़ी लगाते, अरे चोटो के तुम चोटे आतंकवादी हो, हिंसा करके आए हो, क्या करके आए हो जो घुसते कड़ी, कैसे बढ़ेगा तुम्हारा प्यार। 7:30 आने वाली है,
क्योंकि घर में घुसते ही दरवाजा बंद। अरे मूर्खानंद, कम से कम याद रख, तेरे 5 फुट पीछे पीछे कन्हैया जी आ रहे तेरे घर आज रोटी खाने, पर तूने घुसने ही नहीं दिया, चले गए लौट के। आगे को देखे, घर में घुसे तो आगे को देख के धक्का मार के दरवाजा बंद करे। चलता जा रहा है, दरवाजा बंद करता जा रहा है, क्यों भाई? इतना कैसा डर, ऐसा कैसा अकेलापन। घर नजदीक हो गए, विचार दूर दूर चले गए। आज पूरे ब्रजमंडल को इकट्ठा करने की पूजा की भगवान ने। प्यारे भाइयों, एक बाप के घर में एक ही मंदिर होना चाहिए, चाहे भाई 100 हो। धृतराष्ट्र की औलाद 100 थी और सारे दुष्ट थे, पर पूजा एक ही करते थे सब, एक पूजा। कितने भी भाई हो जाए, कुल देवता तो एक ही रहता है ना सबका। जब कुल देवता एक है तो पूजा पाठ ये सब अलग अलग क्यों? चलिए, कोई पूना, कोई कलकत्ता, कोई बंबई है तो सब अपने अपने पूजा में लगो, नियम धर्म पूरे रखो। बांट के करना है बांट के करो, मुझे नहीं लेना। पर ये शास्त्र कह रहा है, ठाकुर जी ने पूरे ब्रजमंडल को बुलाया पूजा के लिए, सब अपने अपने पानी से निलाने लगे गोवर्धन को, दूध से, शहद से, दही से, 56 प्रकार के अन्न कूट कर लड्डू बनाकर भोजन परोस दिया, आरती कर दी और सोने चांदी हीरे का मुकुट लगा करके गोवर्धन को पहना दिया और भगवान श्याम सुंदर जय घोष करने लगे। बोलिए गिरिराज महाराज की जय, बोलिए गोवर्धन की जय, मेघदूत प्रसन्न योग है। आज जिन्हें खुश होना चाहिए था पूजा से, वो नाराज हो गए। इंद्र आदि देवता, पूजा करने से देवता खुश होते हैं, पर कृष्ण भगवान ने जो पूजा की उससे देवता हो गए नाराज। क्यों? इंद्र ने नाराज होके समझ लिया मेरा अपमान हुआ है, अरे हमारी पूजा छोड़ के पत्थर की पूजा कर रहा है कृष्ण, हमारी पूजा छोड़ के पत्थर की पूजा कर रहा है। बुला लिया बिजली को, तड़क जा। पहले बिजली तड़की और बिजली ले डूबी कई गायों को, कई बछड़ों को। पता चला अचानक बिजली तड़की और ब्रज में वो मर गया, ये मर गया, ये मर गया, विनाश आने लगा। तूफान आया, पेड़ उजड़ गए, फिर बारिश आई, घर फेंकने लगे, घर बहने लगे। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, रक्षा करो कृष्ण, हमारी रक्षा करो कृष्ण। सारा ब्रज कृष्ण के पास पहुंच गया। आज हमें कृष्ण ऐसा लगता है कि तेरी वजह से ही ये आपत्ति आई, ये संकट आया है। ये दुनिया का रोल है। दुनिया कैसी है? जिंदगी भर कोई तुम्हारी मदद करता रहे और एक बार मदद करने में चूक जाए, पूरी जिंदगी पे पानी फिर जाता। ऐसी है दुनिया। जिन ब्रजवासियों के लिए कन्हैया ने क्या क्या किया, आज बारिश आई, नुकसान हुआ तो सब ठीक रहा, कृष्ण पे फोड़ दिया, तूने इंद्र की पूजा नहीं करने दी, इसीलिए ये विनाश आया। भगवान कहने लगे, अरे मूर्खो, इंद्र अभिमानी है, उसको मनाओ, उसको यज्ञ करो, उसकी चौकी बनाओ, उसका आह्वान करो, तब वो बारिश करे। उससे अभिमान हो गया है राजगद्दी का, स्वर्ग में राजा है ना, इसीलिए जिसका अभिमान बढ़ जाता है पद पा करके, मैं उसे नीचे गिराने के बगैर शांत नहीं रहता, मैं इंद्र को धरती में भीख मंगवा दूंगा तब शांति मिलेगी मुझे। क्यों? जिसने गायों के ऊपर अत्याचार किया है, ब्रज के ऊपर अत्याचार किया है, उसे मैं स्वर्ग में नहीं रहने दूंगा। प्यारे भाई बहनों, ब्रज में अत्याचार करने वाले को स्वर्ग नहीं मिलता, इसलिए जिंदगी में कभी वृंदावन, हरिद्वार, काशी जाओ, वहां जाकर कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे तुम्हें स्वर्ग में जाने में रोक लग जाए। हिंसा दयान भावितम
कृष्णो पीवा जनार्दन योग गोवर्धनम प्रिय मेधासुरवी यथाचित भा 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 गाय रोने लगी। कन्हैया ने कहा मां तेरी रक्षा के लिए मैंने ये लीला की है, पर त्रेता युग में सीता की खोज करते हुए हनुमान जी जब आए तो लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर सेतु बनाना पड़ा था। हे मां ये जो गोवर्धन है ना, उस समय 3 वर्ष का बालक था ये गोवर्धन, और ये विंध्याचल का पुत्र है। सेतु बनाने के समय पर ये मेरी सेवा में आया था समुद्र में, और इसने कहा था प्रभु राम मैं हूं तो छोटा सा ही पत्थर, पर इस सेतु में आपकी मदद में भगवती सीता को पाने में अगर मेरा थोड़ा भी कहीं अंश लग जाए सेतु में तो आप मेरे ऊपर पैर रख के निकलेंगे तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, प्रभु मुझे सेतु में लगाओ। राम गोवर्धन के इस छोटे से रूप से प्रसन्न हो गए और प्रभु राम ने गोवर्धन को समझाया, हे वत्स सेतु बनाने के लिए तुम्हारे पिता ही काफी हैं, तुम छोटे बालक हो, तुमने सेवा का भाव जताया, तुम्हें सेवा करने की जरूरत नहीं है। छोटेपन में जो भगवान की सदगुरु की सेवा के लिए जो बच्चे मचलते हैं उन बच्चों को बिना सेवा के ही अगले जन्म में भगवान सेवा का फल दान करके बड़ा बना देते हैं महाराज। इसलिए हे गौ माता इस बालक ने सेवा त्रेता में करने का वचन दिया, मैंने इसे द्वापर में फल देने का वचन दिया, आज मैं इसकी पूजा सेवा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आज इसका भगत बनूंगा, ये मेरा भगवान बनेगा। तमेधनी तत्व भगवतां, भगवान ने गोवर्धन से कहा गोवर्धन आज तेरी सेवा का फल तुझे मिलेगा, सेवा कर कुछ चमत्कार दिखा। गोवर्धन कहने लगे महाराज मैं तो पत्थर हूं पत्थर, जब तक आपकी दृष्टि कृपा नहीं होगी तब तक मैं पत्थर कोई चमत्कार नहीं कर सकता। भगवान श्याम सुंदर ने गोवर्धन को देखा, गोवर्धन भगवान के चरणों में पड़ा हुआ है, ठाकुर जी ने अपने दोनों हाथों से गोवर्धन को आशीष दे करके तेजस्वी कर दिया और गोवर्धन कहने लगे प्रभु अब मैं आपको देखने में हिमालय जैसा लगूंगा पर जब आप मुझे उठाएंगे उंगली पर तो मैं गुलाब के फूल से भी हल्का हो जाऊंगा। आज भगवान की दृष्टि और कृपा से जीवन बिल्कुल हल्का हल्का हो गया। तुम लोग भारी जीवन लेके घूम रहे खोपड़ी में, कितना टेंशन है, वजन है तुम्हारी बॉडी में 65 किलो और टेंशन है 7.5 क्विंटल, मरे जा रहे टेंशन से घबरा घबरा कर। याद रखो जिनको भी ट्रेस ने टेंशन ने घेर लिया है, जिसके ऊपर भी देवता रूठ गए हैं, अरे वो सीधे चले जाओ सतगुरु के चरणों में, वो रख देंगे हाथ, हल्का हल्का हो जाएगा सब। इंद्र पराजित हो गया, भगवान के चरणों में आ गिरा इंद्र, मेघ बादल थक गए, समुद्र खाली हो गए, ब्रज को नहीं बहाए, भगवान ने ब्रज की रक्षा कर ली। सब ग्वाल वाल सखाओं के साथ प्रभु बीच में खड़े हो गए महाराज, गोवर्धन को लेकर भगवान ने पृथ्वी को आकाश में उठा लिया। क्यों? पृथ्वी को उठाने का अधिकार केवल भगवान को है। पृथ्वी जब पाताल में थी तब भी भगवान लेके आए उसे, आज पृथ्वी को भगवान ने ऊपर उठा लिया अपने से। इसीलिए जो भगवान की शरण में रहते हैं भगवान उन्हें हमेशा अपने से ऊपर रखता है, अपने से ऊपर ऊपर। नीचे अच्छा है कि ऊपर? तो शरण में जाओ ना भगवान के, छोड़ो ना तमाकू बीड़ी अंडा गुटका शराब। झूठ कपट छल से मुख मोड़ो, बदला जमाना तुम भी बदलो,
सब बदल गया पर तुम बदलने को तैयार नहीं है। भेदभाव और छूत छात की दीवालों को तोड़ो। बहुत हो गया ये बदमाशी, अब इंसान से इंसान प्रेम करो। प्रकट हो गई, रक्षा हो गई, और ये दुनिया सब मतलब की है। थोड़ी देर पहले गालियां दे रहे थे कन्हैया को ब्रजवासी, और जैसे रक्षा हुई और खाने को शुद्ध घी के लड्डू मिलने लगे प्रसाद में, तो जय जयकार होने लगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए गिरधारी भगवान की जय। गिरधारी भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परिक्रमा करने लगे सारे ब्रजवासी, लेट के सष्टांग करने लगे, नाक रगड़ रगड़ के प्रणाम करने लगे सब गोवर्धन को। क्यों? सबसे पहले परिक्रमा भगवान कृष्ण करने लगे। याद रखो, समाज ज्यादा कब बिगड़ता है? जब बड़े लोग बिगड़ते तब बिगड़ता है। इसीलिए जो भी खाते पीते समाज में जिनके नाम हैं, वो जल्दी से जल्दी नाक रगड़ने लग जाओ ठाकुर जी के सामने, तो ये मजदूर तो तुम्हारे पीछे पीछे ही चलते हैं, सब आगे आगे नहीं। माना बेधाम में मूलम, पर ये बड़े बड़े लोग तो बियर बार में जाके बैठते हैं, तो ये गरीब क्या करेंगे? दिन भर में 200 रुपए कमावे गड्ढा खोद के, और शाम को बियर पीवे मांस खावे। क्यों? क्योंकि उसका मालिक जो पी रहा है, मजदूर का मालिक पीवे तो मजदूर को भी वही अच्छा लगे। इसीलिए जिनको समाज में अच्छा नाम है, उन्हें अच्छे काम करने चाहिए, जिससे समाज भी उनकी परछाई को धारण करे। कन्हैया ने आगे आगे छोटे बच्चे को पहली बार जब चलना सिखाते हैं, तो फिर माँ चलती है पहले, बच्चे की तरफ देखते हुए माँ बैक गियर में चलती है, बच्चे को सीधा चलाती है। पकड़ो 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 पकड़ो, चलो 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 चलो। माँ पीछे को जा रही है पर बच्चे को आगे को ले जा रही है। अगर माँ आचरण नहीं करेगी तो बच्चा कभी भी चलना सीखने वाला नहीं है। हाँ, इसीलिए माँ और पिता, माँ और पिता, बंधु और सखा, ये सब रिश्तों को लेके व्यासपीठ पर बैठा हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें चलना सिखा रहा हूँ, आप चलना सीखो। गिरो मत, गिरो मत, गिरो मत। हरि तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। कानन कुंडल सोह रहो, तेरे कानन में कुंडल सोह रहे, तेरे कानों में कुंडल सोह रहे, ओ तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरी भ्रकुटी ओ भ्रकुटी, तेरी भ्रकुटी बन के विशाल गोपाल, तेरे माथे मुकुट श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
तो फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे 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 फूल चढ़े, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े रे चढ़े, तो पे चढ़े दूध पीदार राज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, कुटी बन के विशाल गोपाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। प्रभु सात कोस में रूप तेरा, प्रभु सात कोस में रूप तेरा, सब संकट मेरो दूर करो, सब संकट मेरो दूर करो, सब संकट मेरो दूर करो, तुम भक्तों के, तुम भक्तन के सरताज महाराज तेरे माथे महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरे सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, सब दे रहे सब दे रहे विराज रहो, माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे मुकुट विराज रहो, हो अर्पण करके तन मन धन करो चले सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन सब को राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब को वर्धन, अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब को वर्धन। प्रथम दान घाटी पे पहुंचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश नवा, प्रथम दान घाटी पे पहुंचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश नवा, दंडौत करे मन में धरे परिक्रमा
बंधन, चलो चले सब गोवर्धन। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। गायों की रक्षा करते हुए भगवान गोवर्धन की लीला को संपन्न करते हैं। मथुरा से कंस के यहां से अक्रूर जी आज भगवान कृष्ण और बलराम और नंद को लेने के लिए सोने का रथ लेकर ब्रज में आए, क्योंकि कंस ने भगवान को मारने का निश्चय छल कपट से किया है। आज कंस के महल में इंद्र यज्ञ होने जा रहा है और धनुष यज्ञ में नंद को सहज आमंत्रित किया गया। अक्रूर जी को रथ को देखकर नंद प्रसन्न हो गए। आज मेरे बालक इतनी कम उम्र में सोने के रथ में बैठकर मथुरा जाएंगे। नंद बाबा इतने भोले भाले सज्जन और सीधे, उन्हें कंस की इन कुरूति और इन बुरी नीतियों से परिचय नहीं था। चले गए अपने बच्चों को लेकर मथुरा। कंस ने बच्चों को मारने का मथुरा की हर गली में प्लान तैयार किया हुआ था। जिस गली से प्रभु जा रहे थे उस गली में कंस ने एक मदमस्त हाथी को मदिरा पिला के छोड़ रखा था। भगवान ने हाथी को जानवर पशु समझकर उसे नहीं मारा, क्योंकि वो तो मालिक का गुलाम होता है। पागल हो गया था हाथी। आज भगवान ने उस हाथी को अपने हाथों से नाक पकड़ सूंड पकड़ के स्वर्ग में भेज दिया। भगवान चले गए कंस के द्वार पर पहुंचे। पहरेदारों को भगवान ने धराशायी किया। दरवाजे पर कुब्जा नाम की महिला चांदी के कटोरे में चंदन लेके खड़ी थी। जैसे ही नंद के लाला को आते देखा तो कुब्जा ने सोच लिया, रोज दुष्ट कंस के माथे पर लगाती हूं और अगर आज ये चंदन मैंने गोपाल के माथे पे लगा दिया तो मेरी जिंदगी सबर जाएगी। आज कुब्जा ने भगवान के माथे पे स्वागत के रूप में चंदन लगा दिया मारा। कहते हैं भागवत में ये कुब्जा दंड भोग रही है त्रेता युग का। त्रेता युग में मंत्रा बन के जिसने राम को तिलक नहीं होने दिया, आज भगवान के श्राप से वो कंस को रोज तिलक करती है और कमर से टूटी हुई कुब्ज वाली है, पूरी पीठ में कुबड़े निकले। संबेताम च पाप योगम, किसी भी छोटी सी गलती का बड़ा परिणाम होता है। रोड पर आदमी बड़ी गलती नहीं करता पर परिणाम इतना बड़ा होता है कि हाथ पैर सब टूट जाते हैं एक्सीडेंट में। गलती इतनी सी, चोट बड़ी सी, पाप छोटा परिणाम बड़ा। इसलिए डरो, किस प्रकार से दंड भोगना पड़ेगा कोई नहीं जानता। जितना हो सके डरो, अपराध से गलतियों से बचो। छोटी गलती बड़ा दंड मिले उससे अच्छा है कि बड़ा फल मिले, पुण्यों का, सुखों का, समृद्धि का। ऐसे ही कर्म करो। आज भगवान ने कुब्जा का शरीर सुंदर कर दिया। दूसरों को, ब्राह्मणों को, संतों को, तपस्वियों को तिलक लगाने से हमारे शरीर के रोग जाते हैं, इसलिए टीका, चंदन, तिलक, आरती हमेशा महापुरुषों की करते रहना चाहिए। हमारी व्याधियां कम होती हैं, हमारे दर्द कम होते हैं। मारा कुब्जा का शरीर सुंदर हो गया भगवान के शरीर से स्पर्श करके। स्पर्श से ही सुंदर हो गए। तपस्वी का स्पर्श ही हमारे लिए बैकुंठ का सुख देता है। सम्मोतम चत धर्मम, अंदर गए, रखा था धनुष, भगवान ने उठा के झट से तोड़ दिया उसे। टूट पड़े, चारों तरफ से घेर लिया कन्हैया और बलराम को, पकड़ो मारो पकड़ो मारो। बलराम और कृष्ण दोनों युद्ध करने लगे। कंस के सबसे बड़े पहलवान चांडूर मुष्टक भगवान और बलराम के सामने आ खड़े हुए। दोनों भाइयों ने मिलकर दोनों दुष्टों का खात्मा कर दिया। कंस आ गया बीच में, मेरे मित्रों को मारा है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भगवान श्याम सुंदर ने दोनों हाथों का जोर से मुक्का बना के छाती पे दिया। कंस ऐसे गिर पड़ा मानो कि उसे बीच रोड पर किसी बिल्डोजर ने पटक लिया। छाती पर बैठ गए कन्हैया जी, छाती पर, दे मुक्का दे मुक्का दे मुक्का।
पंच प्राण बाहितम योगो रूप दर्शनम। कंस के प्राण बाहर निकलने लगे, वैसे ही भगवान का सच्चा दर्शन होने लगा उसको। चतुर्भुज नारायण छाती पर बैठे बैठे कंस को दर्शन दे रहे थे, जिससे दुनिया में कोई ये न कहे कि भांजे ने मामा को मारा है, तो भगवान ने दर्शन दिखा दिया मारते समय। अरे भाई, भांजे ने मामा को नहीं मारा, विष्णु ने पापी को मारा है। रिश्तों में कोई किसी को नहीं मारता, कर्म ही सबको मारते। कंस के कर्म ले डूबे, कंस का वध किया भगवान ने, कंस की पत्नियों को भगवान ने अस्वस्थ किया। देवियों चिंता न करना, तुम्हारा पति बैकुंठ गया है। मैंने सुना है तुम्हारे पति को मरते मरते विष्णु के दर्शन हुए थे। तुम्हारा पति बैकुंठ, रो मत। पत्नियों ने कहा, हे गोपाल, हम इसलिए रो रही हैं, हम विधवा हो गई इसीलिए नहीं। उसने ब्रज में बाल हत्याएं की थी, और बाल हत्या करने वाले को कभी बैकुंठ प्राप्त होता नहीं है। अरे देवी, उसे बैकुंठ ही मिला है। क्यों? आरक्षण दिया है हमने, हमारा रिश्तेदार जो ठहरा, हमारी माँ का भाई है ना। और घर वाला तो कोई कितना भी पापी हो चलता है सब। हाँ, कितने कितने बुरे बुरे बेटे होते हैं लोगों के, चल रहे, पर दूसरे का, पड़ोसी का तनक सा बुरा नहीं चलता। देखो कैसा है, कैसा है, कैसा है, और अपना कैसा है, अपना चलता है। सब नजर पड़ोस में है, अपनों पर कोई नजर नहीं। अपने तो रोज गंगा जल में नहा के निकलते ही, दूसरों में ही खोट दिखे। सदगुरु भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को कथा का दर्शन करवाया। भगवान 11 साल के पूरे वचन को करने के लिए मथुरा में पहुंचे। सबसे पहले अपनी माँ देवकी वसुदेव को जेल से रिहा करवाया, हथकड़ियां बेड़ियां काटी। फिर भगवान ने अपने नाना जी को मुक्त किया। 11 साल का वचन देके गए, प्रभु ने पूरा कर दिया, अपने माता पिता का उद्धार कर दिया, सब दुख दर्द पाप मिटा दिया। आज भगवान अपने माता पिता से प्रार्थना करने लगे, हे पिताजी, मैं 11 बरस का हो गया, अब मुझे गुरु मंत्र दिलवाओ, मैं कंठी पहनकर पढ़ना चाहता हूँ। अब बड़ी प्रॉब्लम आ गई, मथुरा में कोई पंडित जी अच्छा था नहीं, साधु बाबा सब भाग गए थे कंस के डर के मारे, क्योंकि कंस बहुत बुरा। याद रखिए, जहां पर वैश्यागामी शराबी और मांस खाने वाले नेता रहते हैं, वहां साधु संतों की दुकान जमती नहीं है। कंस के राज्य में साधु संत भाग गए, अब गुरु नहीं मिलता भगवान को भी। अब मैं काली कथा में तुम्हें इतना समझाना चाहता हूं कि इस दुनिया में आकर जो मनुष्य बन के आया है, उसे बिना गुरु के लाइन लगने वाली नहीं है। स्वयं भगवान सारी दुनिया के गुरु मनुष्य बन के आए, तो उन्होंने अपने माँ बाप से स्पष्ट कह दिया कि मैं अब 11 साल का हो गया हूँ, अब मेरे को गुरु होना चाहिए। भागवत भी यही कह रही है, वर्षम एकादशौ योगः पूर्वार्धम च विविक्षिताम। 11 वर्ष की उम्र से पहले पहले ही हमें गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए। जब कोई व्यसन नहीं होता, जब कोई बच्चे में बुराई नहीं होती, तब वो जनेऊ और कंठी पहनता है, तो फिर समझो वो गुरु की बात को मानता जाए, तो फिर देखो उसके जीवन में कभी भी दाग नहीं लगता, कभी भी कलंक नहीं लगता। वो निष्कलंक आनंद से दुनिया में अपने किरण फैला देता है, सारी दुनिया को चमकीला बना देता है। आज भगवान ने 11 साल की उम्र में गुरु बनाने की इच्छा प्रकट कर दी। माता पिता भी ऐसे अच्छे होने चाहिए जो बालक की इच्छा को पूरा कर देवे। महाराज 600 किलोमीटर दूर ले गए गुरु ढूंढते 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 ढूंढते। रथ में बिठा लिया दोनों बच्चों को, क्षिप्रा नदी के तट पर ब्राह्मणों की नगरी, महाकाल की नगरी में उज्जैन में आ गए, और सांदीपनी जैसे महायोगी गुरु को मिलकर के दक्षिणा दिलवाई, दीक्षा अर्पण करवा दी। 11 बरस भगवान ने गुरु आश्रम में रहकर लंगोट पहनकर पढ़ाई की और गुरु की सेवा की। भगवान पढ़ के लिख के उद्धव और सुधामा जैसे मित्रों के साथ में ब्रज लौट गए।
ब्रज में पहुंचे भगवान तो बड़ा गड़बड़ हो गया। जैसे ही पहुंचे पढ़ लिख के नाना जी ने कहा, बेटा मैं बूढ़ा हो गया, अब तू मथुरा का शासन संभाल ले। 22 साल की उम्र में भगवान राजा बन गए। बोलिए मथुराधीश भगवान की जय। जैसे राजा बने भगवान, उसी समय कंस के ससुर जरासंध ने कन्हैया के ऊपर आक्रमण कर दिया। ये मेरे जमाई का, मेरी बेटियों का राज्य है, तू कैसे बैठा, हट मारूंगा। 17 बार युद्ध किया जरासंध ने, भगवान ने उसे मारा नहीं, क्योंकि जरासंध को वरदान मिला हुआ था ब्रह्मा जी का। उसे केवल जरासंध को विष्णु से खटका था और ब्रह्मा जी ने वो खटका मिटा दिया कि तू विष्णु से नहीं मरेगा। अब 17 बार युद्ध करके विष्णु मार नहीं पाए तो भगवान कहने लगे, युद्ध में तो नुकसान बहुत होता है, जरासंध के कुछ लोग मरते ही तो कुछ मथुरा के भी मर जाते हैं। और भैया ये संपत्ति के पीछे अगर लोग मर रहे हैं तो उस संपत्ति से संन्यास ले लेने में ही सबसे बड़ी बुद्धिमता है। संपत्ति के पीछे कभी भी मौत और कोर्ट कचहरी के चक्कर मत लगाओ। क्यों? जिसके भाग्य में जिसका नाम लिखा है वो दाना जब मुंह में आ जाता है तो ये प्लॉट भी हमारे घर आ जाएगा। क्यों खाम खां वकीलों के चक्कर में पड़े हो? संतोष करके बैठो, तुम्हारा तुमसे दूर नहीं जाएगा। और जो तुम्हारा नहीं है उसे वकील भी दिलवा सकता नहीं है। हम तो देख रहे हैं, लोग हमारे पास आते हैं, गुरुजी 40 साल हो गए केस लड़ते लड़ते, वो 20 एकड़ मौसा वाला खेत जो है वो आ नहीं रहा। हमने कहीं आने वाला भी नहीं है। क्यों? वो तेरा है ही नहीं तो तुझे कैसे मिलेगा भाई? तू खाम खां बीच में कहां आ गया है? भैया जरा बच्चों को रोक लो, इतना भी रास अच्छा नहीं है, फिर ज्यादा हो गया ये तो रास। संवेदम तकथा भूतम सर्वम यस्य भागिनी। भगवान ने अपने चाचा अक्रूर, अपने मित्र उद्धव और अपने बड़े भैया बलराम को रात में घर में बुलाया। ए भैया, अब हमें रातों रात मथुरा छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ेगा। क्यों? हमारी वजह से मथुरा में अशांति और मथुरा की वजह से हमारे अंदर अशांति। जिस घर में, जिस भोजन में, जिस रिश्ते में अशांति है, उस रिश्ते का त्याग करना ही सबसे बड़ा धर्म और ज्ञान है महाराज। हाँ, कई लोग रिश्ता निभाते रहते हैं जबरदस्ती, सुख है नहीं, विचार मिलते नहीं और रिश्ता निभा रहे हैं। कहां जाएं, क्या करें, मजबूर है। मजबूर कोई नहीं इस दुनिया में। रात को 12 बजे छाती में झटका जब आएगा तब भी तो छोड़ जाओगे ना, इसलिए जिंदे पे ही ज्ञान पूर्वक छोड़ दो ना। जिस रिश्ते में सुख नहीं है उस रिश्ते को निभाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तो रिश्ते सब झूठे ही रहते, सुख भी मिल रहा है तो भी झूठा ही है, पर है नहीं सुख। कट 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 दिन भर की कटकट से दो लोग दुखी हैं, और जब तुम दूर हो जाएंगे तो कोई भी दुखी नहीं। तुम तुम्हारा सुखी, वो सुखी, पर झेल रही दुनिया, संसार में पड़ी है, झेलो। पर परमात्मा जो कह रहे हैं मैं वो बताना चाहता हूं। आज रातों रात भगवान ने ब्रज के प्रेम को अंदर से ठुकरा दिया। दर्द तो हो रहा है कन्हैया को मथुरा छोड़ने में, गोपियां सखियां मित्र गाय सब छोड़ने में, पर क्या करें, आज परमात्मा को धर्म का झंडा चारों तरफ फैलाना है तो एक जगह रहकर कभी धर्म का झंडा सब जगह लहराने वाला नहीं है मेरा। इसीलिए घर में पूरे में झाड़ू लगाना है तो झाड़ू लेके पूरे घर में ही निकलना पड़ता है। एक जगह झाड़ू मारने से कभी घर साफ होने वाला नहीं है। तो भगवान ने निश्चय कर लिया, मथुरा में पवित्र धन नहीं है, मेरे मामा का दुष्ट धन है, और जो दुष्ट कमाई है वो कभी भी किसी को सुख देने वाली नहीं है। कंस तो पापी था, टैक्स लेता था लोगों से, दलाली लेता था, रिश्वती लेता था, माखन मिश्री का टैक्स, इसका टैक्स, परेशान कर दिया था नंद बाबा को, इसी का बदला कन्हैया ने ले लिया। मामा की संपत्ति को भगवान ने त्याग दिया। रातों रात विश्वकर्मा जी को बुलाकर और कुबेर को बुलाकर पश्चिम दिशा में जहां सूर्य अस्त होता है भगवान ने वहां जाकर समुद्र के अंदर अपना महल बनवाया और कह दिया, भैया कुछ दिन हम